तो इसका रेंज सेम है, इसका रेंज सेम है 70-20, ठीक है। ये क्या है, 60-30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या, यस और नो? और 70-20 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज क्या होते हैं, यस सर, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको मैं प्रूफ करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज कैसे इक्वल होते हैं। इस फिगर को बना लेना एक बार, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ठीक है, ऐसे ही बना लेना और सबके क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लिख देना। ये ब्लू वाले का मैं लिख रहा हूँ, ये 45 है, ब्राउन वाला हमारा 70 है, ठीक है, ग्रीन वाला क्या है, 20 डिग्री है, डिग्री है, ब्लैक वाला 60 है, रेड वाला 30 है, ठीक है। और ये हमारा ब्लू वाला जो है, ये मैक्सिमम रेंज होगा इस केस, ठीक है, आर मैक्स होगा 45 के प्लस 20। उसके नीचे लिखे ना, आर इज मैक्सिमम फॉर, आर इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आर हैज सेम वैल्यू, आर हैज सेम वैल्यू फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री एंड 89 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री एंड क्या हो जाएगा, 88 डिग्री क्या, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेसिकली, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू अल्फा है तो क्या हो जाएगा, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, ठीक है, वेयर अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। क्लियर, इसको भी नोट कर लेना। हो गया? यस सर, यस सर, हो गया। चलो इसमें लिखना एक क्वेश्चन है, सो दैट आर रिमेंस सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ मैं आर लिख दे रहा हूँ बार बार, आर मतलब रेंज है, ठीक है ना, सो दैट रेंज रिमेन सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, इसको दिखाना है। सो मान लेते हैं थीटा क्या है, एंगल ऑफ थीटा, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा एंड दैट इज अल्फा, लेट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, क्या 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और अल्फा क्या है, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा है तो रेंज क्या हो जाएगा, अगर थीटा मैंने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है तो रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई जी, क्या ये हो गया रेंज, ठीक है। इस केस में जब एंगल 90 माइनस अल्फा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो मान लेता हूं मैं रेंज आर प्राइम है, और आर प्राइम कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 × 90 माइनस अल्फा, क्या डिवाइड बाई जी, यस और नो, ये हो गया आर प्राइम। दिस इंप्लाइज आर प्राइम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा बाई जी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यस और नो, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2
टू अल्फा बाई जी, आर प्राइम ये हो गया। देखो तो आर और आर प्राइम इक्वल है क्या, यस और नो? दिस इंप्लाइज फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू आर इज इक्वल टू क्या है, आर प्राइम, ठीक है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी। समझ में आ गया, यानी कि जो एंगल है अल्फा, मान लो एंगल है, उस पर जो हमारा रेंज होगा, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी वही रेंज होगा। वही मैंने पीछे ये जो फिगर बनाया था उसमें यही दिखाया था। समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना। यस सर। डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि पैराबोला जो होता है, ये प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये, अब मैं ये दिखाने जा रहा हूँ इक्वेशन से, ये पैराबोला इक्वेशन होता है, वाई और एक्स में जो वेरिएशन होता है क्वाड्रेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है, इसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना होगा हमको, कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है, एक्स और वाई कैसे वेरी कर रहा है, ये निकालना होगा, ठीक है। हेडिंग देना इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यहां से x क्या हो जाएगा, अगर तुम लोग को x कोऑर्डिनेट निकालना है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, x कोऑर्डिनेट निकालूंगा, y कोऑर्डिनेट निकालूंगा और इन दोनों में रिलेशन निकाल लूंगा, ठीक है। इसमें कोई दूसरा चीज नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ x और y वेरिएबल होना चाहिए और इन दोनों का मैं रिलेशन निकाल लूंगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। पाथ का जब भी तुमको इक्वेशन निकालना होगा तो कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन निकाल देना होगा। हम लोग 2D मोशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पाथ का इक्वेशन निकालेंगे तो x और y आ रहा है। अगर 3D मोशन होता है यहाँ पे तो पाथ के इक्वेशन में कौन कौन से आते हैं, x, y और z में रिलेशन आता, ठीक है, ये जनरल पाथ हो जाता 3D में, ठीक है। बट हम लोग मोशन इन 2D पढ़ रहे हैं तो x और y वेरी करेगा और x और y कैसे वेरी कर रहा है उसका वेरिएशन अगर हम निकाल दें x और y में रिलेशन, वही हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। तो x क्या होगा यहाँ पे, x, x डिस्प्लेसमेंट, x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, क्या यहाँ पे ux t प्लस ऑफ हाफ ax t स्क्वायर लिखते हैं क्या, यस और नो, कोई दिक्कत, x जीरो है यहाँ पे, देन दिस इज नथिंग बट ux x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux इंटू t हो जाएगा, ठीक है। किसी टाइम पे x क्या होगा, ux इंटू t होगा, तो x इज इक्वल टू ux, तुम लोग को पता है ये क्या होता है, u cos थीटा, अगर तुमने ऐसे प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, u as it is प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू t हो जाएगा, क्लियर है। वैसे ही हमको y निकालना है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालना है, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई इंटू टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई, यू वाई पता है तुम लोगों को, ये u साइन थीटा है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। मैं ऊपर रिएक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और नीचे रिएक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ ये सारी इक्वेशन लिखने में, ठीक है। ये इक्वेशन वन ले लो इसको, ठीक है। अब इक्वेशन वन को यूज करके टाइम को यहाँ से हटा सकते हैं क्या, टाइम के जगह पे x बाई यू कॉस थीटा ले सकते हैं, यस और नो? यस सर। y इज इक्वल टू, अब हम इक्वेशन वन को यूज करेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, u sin theta into t is equal to क्या लिख सकता हूँ, x divided by u cos theta minus 1 by 2g, टाइम को हटा देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x square divided by u square cos square theta, ठीक है, कोई दिक्कत? देखो तो no, y और x quadratic relation आ गया क्या, ये g cos theta u तो कांस्टेंट है, u sin theta u cos theta सारे कांस्टेंट टर्म है,
सिर्फ एक्स और वाई में रिलेशन आ गया ये, यस और नो? तो ये क्या, ये पैराबोलिक है क्या पाथ? क्वाड्रेटिक रिलेशन है वाई और एक्स में, क्या हो जाएगा पाथ? पैराबोलिक हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा? डाउनवर्ड होगा सर, माइनस है। डाउनवर्ड होता है प्रोजेक्टाइल, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो जाता है ना? प्रोजेक्टाइल हमेशा क्या होगा, ऐसा ही होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ऐसा पैराबोला बनेगा, इक्वेशन भी वही शो कर रहा है। क्लियर है? इसको हम लोग रेंज के फॉर्म में अगर लिखें, ठीक है, रेंज के फॉर्म में लिखें हम लोग, तो रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, क्या? यस सर, ये होता है। इसमें यू स्क्वायर, जी बाय यू स्क्वायर टर्म आ रहा है, ठीक है, इसको मैं आर से रिप्लेस करना चाहता हूँ यू स्क्वायर बाई जी टर्म को, ठीक है। तो यहां से यू स्क्वायर बाई जी कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू आर बाई साइन टू थीटा, लिख सकता हूँ क्या? हाँ, यस और नो? नहीं समझा, नहीं समझे? देखो, यस लिख सकते हैं, मैं आर जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा, ये लिख सकता हूँ? Yes, लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, मेरे को चाहिए g बाई यू स्क्वायर, चाहिए g बाई यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर ले आता हूँ मैं, तो r g बाई यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साइन टू थीटा, कोई दिक्कत? यस और नो? r को मैं नीचे ले सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, g बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू थीटा बाई r, ऐसा लिख सकता हूँ? ओके सर, ठीक है, यानी मैं सिंपली डायरेक्टली मैं ऊपर ही लिख देता हूँ जो मैं नीचे रिजल्ट लिखा है, ये क्या है, g by u square is equal to sin 2 theta by r, ठीक है, क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, g by u square की जगह पे मैं ये पुट कर देता हूँ sin 2 theta by r, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, y is equal to u sin theta, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा लिख दूं क्या, और यू सी यू कैंसिल कर देता हूँ, यस और नो? यू सी यू कैंसिल कर दूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, एक्स टेन थीटा वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ वन बाय टू, एंड जी बाई यू स्क्वायर को, इस जी बाई यू स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, साइन टू थीटा बाई आर लिख देता हूँ इसको, ठीक है, और जो हमारे पास बच गया वो है एक्स स्क्वायर by cos square theta, ठीक है, this is y is equal to x tan theta minus 1 by 2, और ये sin theta को मैं 2 sin theta into cos theta लिख दूं क्या, divide by r x square by cos square theta, ये cos theta को इसका square cancel कर दूं क्या, कोई दिक्कत? No, इस टू से इस टू को कैंसिल कर देता हूँ, क्या बच गया मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, तो टैन थीटा हो गया टैन थीटा बाई टैन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर बाई आर हो गया क्या, देखो तो टैन थीटा बाई आर, तो यहाँ से टैन थीटा अगर मैं कॉमन ले लू, ठीक है, टैन थीटा अगर कॉमन ले लू मैं, तो क्या बच गया, ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर हो गया क्या, Yes, sir. ठीक है, रेंज तो हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, यू पता होगा, थीटा पता होगा, रेंज पता है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, बैरी सिर्फ कर रहा है एक्स एंड वाई, तो ये पाथ का रिलेशन हो गया। ये याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है क्या, यस और नो? यस सर, y इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर, कभी कभी रेयर केस में तुमको इक्वेशन ऑफ पाथ पूछ देंगे, ठीक है, या इक्वेशन दे देंगे तुमको, तो तुमसे पूछ देंगे कि किस एंगल पे फेंका गया है उसको, ठीक है, तो इसी इक्वेशन से तुम कंपेयर कर लोगे और उससे थीटा निकाल लोगे, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख देंगे हम लोग और इससे कंपेयर कर देंगे जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा पाथ का, तो हमारा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो हमारा फट से निकल जाएगा हमारा इक्वेशन, सॉरी किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया है या क्या जो भी चीज है, ठीक है, इसी इक्वेशन में कंपेयर कर देंगे, इसको नोट कर लेना,
यहां तक नोट कर लेना, यहां तक। Sir, done. Then, sure. Next, इसी में लिखना equation, the above equation is the equation of path of projectile, path of projectile which is full stop by the name, it is parabola. ठीक है, अच्छा, ये जो projectile का path होता है in general ये पैराबोलिक पाथ ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। जैसे में अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड या डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है उसका पाथ, है ना। जैसे तुम अपवर्ड प्रोजेक्ट करोगे ऊपर की तरफ, दैट इज लाइन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के लाइन में अगर तुम प्रोजेक्ट कर दोगे तो पाथ कैसा बनेगा, पाथ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। या फिर अगर तुम ड्रॉप कर दोगे इसको, सिंपली ड्रॉप कर दोगे, कोई वेलोसिटी नहीं दोगे इसको, जीरो वेलोसिटी साथ छोड़ दोगे, तब भी पाथ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यही दो केस है जिसमें पाथ अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो अगर एक्सेलरेशन के लाइन में अगर फेंक दे हम प्रोजेक्टाइल को तब क्या बनेगा, पाथ स्ट्रेट लाइन बनेगा। या सिंपली ड्रॉप कर दे, छोड़ दे उसको जीरो वेलोसिटी से, तब बनेगा पाथ स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज अगर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन फील्ड में तुम अगर एक्सेलरेशन से कोई भी एंगल दे देते हो इनिशियल वेलोसिटी को, तो वो उसका पाथ क्या हो जाएगा, उसका पाथ पैराबोलिक होगा। बात समझ में आया, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है और अगर तुमने वेलोसिटी उससे कुछ दूसरे एंगल में दे दिया, ठीक है, क्या उससे कुछ दूसरा एंगल मतलब कि 180 जीरो छोड़ के कोई और एंगल पे तुमने प्रोजेक्ट कर दिया है कुछ वेलोसिटी से, तो उसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कब कब होगा, जब तुम सिंपली जीरो वेलोसिटी के साथ छोड़ दोगे उसको उस फील्ड में, तब स्ट्रेट लाइन हो सकता है। या फिर तुम उसी के डायरेक्शन में फेंक दो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तब स्ट्रेट लाइन होगा, या उसके अपोजिट फेंक दो तब स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि अगर प्रोजेक्ट हम एक्सेलरेशन के लाइन में करें, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है उसके लाइन में अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तब हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है, या फिर हमको सिंपली जीरो वेलोसिटी के साथ छोड़ दे हम, तब हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्लियर हो गया ये बात? Yes, sir. ये सारी एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दीज आर गोल्डन वर्ड्स, ठीक है। इसको मैं लिखवा भी देता हूँ, इसको लिखना एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्या है ये लिखना, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, when a particle moves under constant acceleration, its general path is parabola, general path is parabola, full stop,
However, in the following case, however, in the following case, however, in the following case, in the following case, the path becomes straight line. Following case, the path becomes a straight line. क्या है case one? Case one है when initial velocity u is equal to zero. When initial velocity u is equal to zero. Case two, when initial velocity in the line of acceleration. When initial velocity is in the line of acceleration. Line of acceleration. Clear है? कोई दिक्कत यहां तक? No sir. ठीक है क्या? अब तुम लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इससे रिलेटेड. ठीक है, हम लोग का सिर्फ बच गया है प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, दो तीन केस हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि तुम लोग को ऑलरेडी आता है, इसे रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा. बट तीन केस हम लोग डिस्कस करेंगे. एक केस डिस्कस करेंगे जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है किसी हाइट से, तब उसका रेंज क्या होगा, तब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जब किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से अपवर्ड एंगल, ठीक है, ऊपर की तरफ किसी एंगल से जब फेंका जाता है तब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और तब उसका रेंज क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे. और लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग जब किसी प्रोजेक्टाइल को कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड थीटा एंगल पे अगर फेंका जाएगा तब हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या होगा और रेंज क्या होगा, ये तीनों केस हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सारे केस जैसे पहले हमने डिस्कस किया वो सेम ही होंगे. यूएक्स यूवाई निकालेंगे हम लोग और इंडिविजुअल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे और सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे. सेम ही होगा, ठीक है, बट प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा कैसे करना है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा. तो हम लोग ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला आज स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, या रहने दे आज, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 3 मिनट ही बचा हुआ है हमारे पास. यस सर. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद हमारे पास बचेगा प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन. प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन भी बड़ा आसान है, हम फार्मूला याद करने के लिए नहीं बोलेंगे. ठीक है, कितना फार्मूला याद करेंगे, कहाँ कहीं से प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम, सारे का फार्मूला याद थोड़ी करेंगे. जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और उसी को हम लोग कैलकुलेशन फास्ट करना सीखेंगे. कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, ना कि फार्मूला याद करके हम फास्ट रखेंगे चीजों को. ठीक है, कैलकुलेशन को हम लोग फास्ट करेंगे तो गलती होने का चांस कम होगा और किसी भी क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, फिर तुमको कंफ्यूज नहीं कर सकते हो किसी भी चीज में. समझ में आ गया बात? तो इंक्लाइन प्लेन भी हम लोग जब देखेंगे सारी चीज, तुमको लगेगा कि सारी चीज तो सेम ही है, लेकिन जब तुम फॉर्मूला याद करोगे तो बड़ा बड़ा फॉर्मूला बन के आ जाता है इंक्लाइन प्लेन पे रेंज के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो फॉर्मूला पे हम लोग नहीं ध्यान देंगे. ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग. कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर.